हाव तेज है तो आप चैन पकड़ के ही स्नान करें। ये देखिए आप यहाँ पे कमर तक का जल है। दोस्तों जय माँ गंगे, हर हर गंगे गंगा मैया की जय। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हर के पौड़ी का आज का ताज़ा नज़ारा, ताज़ा दृश्य, ताज़ा तस्वीर के साथ आप माँ गंगा दर्शन करें। और दोस्तों मौसम की बात करें तो ये देखिए आप कोहरा लगा हुआ है, धूप भी लगी हुई है पर धूप का ज़्यादा असर नहीं है। और देखिए दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि हम आ रहे हैं हरिद्वार हैप्पी न्यू ईयर में, हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, कोविड रिपोर्ट चेक हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जिन श्रद्धालुओं पर, जिन यात्रियों पर या जो लोग हरिद्वार आ रहे हैं घूमने के लिए, अगर उन पर दोनों टीके लगे हुए हैं तो आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना सर्टिफिकेट दिखाना है। और जिन पर एक टीका लगा हुआ है तो उनको रिपोर्ट बनानी होगी 72 घंटे की, या आप बना के ला भी सकते हैं रिपोर्ट, या आप हरिद्वार में रेलवे स्टेशन में बना सकते हैं, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आ सकते हैं। और दोस्तों आप मास्क का प्रयोग जरूर करें क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने और ख़ासकर पर्यटक स्थलों पर जैसे हर की पौड़ी पर सख्ती का निर्देश दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत कम श्रद्धालुओं ने मास्क का प्रयोग किया है, तो आप मास्क का प्रयोग करें। और क्योंकि धीरे धीरे आप केस बढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ हरिद्वार में एक केस आ चुका है ओमिक्रॉन का, तो आप अगर आते हैं पर्यटक स्थल पर घूमने के लिए तो आप मास्क का प्रयोग जरूर करें। और आप इस समय देख रहे हैं हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का दृश्य। और दोस्तों आपको दिखाऊंगा मैं महिला घाट, नाई घाट, और आज काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं देखिए आप। और आज 30 तारीख, कल 31, और बहुत सारे श्रद्धालु नए साल में माँ गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं और हरिद्वार में घूमने के लिए आते हैं और फिर यहाँ से पहाड़ों में जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं अगर आप आ रहे हैं घूमने के लिए तो नैनीताल, मसूरी, चकराता, धनोल्टी सब जगह बर्फ़ पड़ चुकी है। अगर आप घूमना है आ रहे हैं पहाड़ पर ठंडों के टाइम पे विंटर में तो आप आ सकते हैं। और आज देखिए आप काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, तो आपको ले चलता हूँ मैं आगे। और दोस्तों अगर आप आते हैं हरिद्वार तो आप घाटों पर गंदगी ना फैलाएँ, गंगा घाट को आप स्वच्छ बनाए रखें। और काफ़ी सारे श्रद्धालु, और मैं कहता भी रहता हूँ अपनी वीडियो में, पर श्रद्धालु नहीं मानते। देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी घाट के पेड़ों पर गंदगी फैला रखी है, काफ़ी देख सकते हैं आप कपड़े छोड़े हुए हैं, पन्नियाँ छोड़ी हुई हैं। आप श्रद्धालु समझते नहीं हैं तो क्या कह सकते हैं। पर दोस्तों अगर आप आते हैं तो आप ऐसा ना करें, आप माँ गंगा की मर्यादा बनाए रखें। और देखिए आप ब्रह्मकुंड की तरफ, और इस समय श्रद्धालु माँ गंगा के बीचों बीच आराम से बैठे हुए हैं गंगा जी में, देखिए आप। और गंगा मंदिर के सामने बैठे हुए हैं, प्राचीन गंगा मंदिर है, और देखिए आप जल बहुत कम है बीच में। और अगर इस तरफ बात करें तो देखिए आप यहाँ पे घुटने तक का जल है और इस तरफ जल काफ़ी है, देखिए आप। तो दोस्तों जहाँ पे बाग गंगा जी का बहाव तेज है तो आप चैन पकड़ के ही स्नान करें। देखिए आप यहाँ पे कमर तक का जल है। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं नाई घाट का दृश्य और ले चलता हूँ आपको नाई घाट पर। और देखिए आप काफी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं इस समय, ये है नाई घाट का दृश्य और काफी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं इस समय, और ये दोपहर का टाइम है देखिए आप। तो मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ, और इस तरफ दोस्तों मैं आपको बताया, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इस तरफ भी गंगा जी का प्रभाव, जल की गति काफ़ी तेज़ हो चुकी है, ये देखिए आप। और मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखिए और जल इस तरह धीरे धीरे और बढ़ेगा क्योंकि बर्फ़ पड़ चुकी है पहाड़ों में और जल भी और ठंडा होगा। और मैं आपको अगर इस तरफ दिखाता हूँ तो इस तरफ भी देखिए आप काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। यहाँ पे पूजा पाठ कर्मकांड किया जा रहा है, और देखिए आप इस तरफ, और ख़ासकर बुजुर्ग महिलाओं के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएं क्योंकि ठंड सुबह शाम काफ़ी है। ये देखिए दोस्तों आप, ये नाई घाट का दृश्य है। और दोस्तों आपको ले चलता हूँ मैं ब्रह्मकुंड की तरफ, और मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, इस समय आप टाइम देख सकते हैं 12:20 हो चुके हैं, ये देखिए आप। और मैं दिखाऊंगा आपको मालवीय घाट, महिला घाट,
देखिए आप इस घाट पर भी काफ़ी सारे श्रद्धालु पिंडदान तर्पण करवा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दिया, अगर आप आ रहे हैं और आप पे दोनों डोज लगी हुई हैं तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। अगर जिन पर एक डोज लगी है तो आपको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट बनानी होगी RT-PCR वाली, तो आप रेलवे स्टेशन में बना सकते हैं, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो आप आइए, बेफिक्र होकर आइए और माँ गंगा में स्नान करें, गंगा जल भर के अपने साथ ले जाएं, हरिद्वार घूमें, हरिद्वार में मंदिरों के दर्शन करें आप। और ये देखिए आप ब्रह्मकुंड घाट, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, ये देखिए आप। और दोस्तों गंगा जी में किया हुआ कार्य आपको कभी व्यर्थ नहीं जाता, मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहते हैं, देखिए आप। अगर आप मेरी डेली वीडियो देखते होंगे तो आप देखिए कि हर दिन इस घाट पर बहुत भीड़ रहती है, देखिए। और श्रद्धालु यहाँ अपने पितरों के लिए, खासकर पितरों के लिए पिंडदान करवाता है, देखिए आप। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस समय महिला घाट पर और मैं आपको दिखा रहा हूँ महिला घाट का दृश्य, ये देखिए आप। और महिला घाट में भी काफी सारे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, ये देखिए आप। और मालवीय घाट पर भी, इस घाट पर भी काफी सारे श्रद्धालु हैं, ये देखिए आप। तो आपको ले चलता हूँ मैं आगे और दिखाता हूँ सुंदर दृश्य, और ये देखिए आप, श्रद्धालु गंगा जी में स्नान कर रहे हैं आराम से बैठकर। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जल एकदम साफ और स्वच्छ है, अगर आप भरने आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। और फिर मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जल कब साफ हो रहा है, तो आप इस समय आ सकते हैं और जल भर के ले जा सकते हैं, बिल्कुल एकदम साफ और स्वच्छ है, नीट एंड क्लीन, रेत की मात्रा नहीं है इस समय। ये देखिए श्रद्धालु चैन पकड़ के डुबकी लगा रहे हैं, ये देखिए आप। और जल यहाँ पे काफी गहरा है, कमर तक का जल है, ये देखिए आप। और महिला घाट में भी आप देख सकते हैं, और दोस्तों देख सकते हैं पूरा आज हर की पौड़ी का क्षेत्र पूरा फुल है, काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। अगर दोस्तों आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कल कि हम आ रहे हैं कुछ होगा तो नहीं, चेकिंग होगी या नहीं होगी, पुलिस वाले रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, तो आप आइए, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। बस आप अपना गाड़ी के कागज़ पूरे रखें, अगर चेकिंग होती है तो फिर आपका चालान कर सकता है, बाकी आप आ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी या पूरी सुनी होगी, रात्रि के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। और उस बीच अगर कोई रात को आना चाहता है तो आ सकता है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो रिक्शा सब चलेंगे, पर आप बेवजह बाहर नहीं घूम सकते। तो दोस्तों यह है आज का हर के पौड़ी का दृश्य, काफ़ी खूबसूरत दृश्य है, ये देखिए आप, पूरा लगा हुआ है, उतना आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आज मौसम साफ नहीं है, कोहरा काफ़ी है, ये देखिए आप। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हर दिन माँ गंगा दर्शन करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय।